छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट है राजनांदगांव। यहीं से सांसद बनने के बाद रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद भूपेश बघेल यहीं से सांसद बनने की तैयारी में है। देश में मौसमी पारे के साथ चुनावी पारा भी बढ़ा हुआ है और आज हम हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में और यहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का क्या मूड है, टटोलने की कोशिश करेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं और इस चुनावी बढ़ते हुए चुनावी पारे में किसके साथ जनता खड़ी है, किसको जनता का साथ मिलेगा और लोकसभा वो उम्मीदवार यहां से चुनकर पहुंचेगा और किसको जनता निकार देगी। राजनांदगांव हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए भी है क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। भूपेश बघेल के लिए राजनांदगांव फतह करना आसान नहीं है। पहले ये सीट एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस के खाते में जाती थी, लेकिन 1999 से ही ये बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो गई। रमन सिंह ने 1999 में ये सीट बीजेपी के लिए जीती थी। इसके बाद पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको बतौर अपना उम्मीदवार उतारा है और एक समीकरण जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूपेश बघेल के लिए काम करता नजर आ रहा है वो है यहाँ पर ओबीसी वोटों का समीकरण। दरअसल राजनांदगांव जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, वहां पर ओबीसी मतदाताओं का बोलबाला है। लगभग 50% के करीब आबादी जो है वो ओबीसी मतदाताओं की है, जिसमें साहू समाज है, लोधी समाज है और इसके अलावा यादव समाज है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को इस ओबीसी बहुल सीट से अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा है, क्योंकि भूपेश बघेल की गृह जो सीट है वो दुर्ग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर समीकरण कांग्रेस पार्टी के साथ है और भूपेश बघेल ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में है, इसलिए उनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव से उतारा है। यहाँ की 8 सीटों में से 3 ही बीजेपी जीत पाई है जबकि 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। भूपेश बघेल जानते हैं कि 2024 की चुनौती आसान नहीं है, लिहाजा सुबह नाश्ते के साथ ही उनके प्रचार की शुरुआत हो जाती है जो देर रात तक चलती है। डॉटर हैं बघेल साहब की, आपका पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्मिता बघेल। स्मिता बघेल जी, ये बताइए कि कितनी हेल्प आप कर पा रही हैं चुनाव में, कैसे रहता है आप लोगों का भी स्केड्यूल, बिजी रहता है? जी, अभी हम लोग जा रहे हैं राजनांदगांव क्षेत्र में और लोगों से विनती करते हैं, काम पिछले 5 साल में जो पापा ने किया वो बताते हैं और आने वाले समय में जो योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, जो मुद्दे हैं आम लोगों के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन टाइम तो दे नहीं पाते होंगे आपको पापा, मतलब हमेशा पॉलिटिशियन है, अभी आज 19 कार्यक्रम है, सुबह 9 बजे निकल गए या रात को 10:30-11 बजे घर पहुंच रहे हैं? अब वो चीजें हम लोग बचपन से देख रहे हैं, लेकिन हाँ मुख्य मुख्य दिनों में जैसे हमारा बर्थडे हो गया, एनिवर्सरीज हो गया, सो ही मेक्स अ पॉइंट कि हम लोग सब साथ में डिनर करें, तो उन चीजों का इंतजार रहता है और पापा हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन सिर्फ मुख्य दिनों में ही मुख्य समय मिल पाता है? खाली समय में हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, गांव चले जाते हैं, वहां हम लोग सब बैठकर बातें करते हैं, तो बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हाँ जैसे नॉर्मल फैमिलीज में होता है उस तरह की चीजें कम मिल पाती हैं। तो एक राजनीतिज्ञ की बेटी होने के काफी नुकसान भी है कि टाइम उतना नहीं मिलता है बच्चों को। जिम्मेदारी बड़ी है, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा जो उन्होंने मुख्य अपने जीवन का ध्येय रखा है, तो ये कॉम्प्रोमाइजेस सैक्रिफाइसेस तो होते हैं। राजनांदगांव का लोकसभा का चुनाव इस बार हाई प्रोफाइल चुनावों में से एक है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं राजनांदगांव से, उन्होंने और उनकी मौजूदगी ने इस चुनाव को खास और दिलचस्प भी बना दिया है क्योंकि सबकी नजरें इस सीट पर हैं जब बात होती है छत्तीसगढ़ की। भूपेश बघेल साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं और आज भी 19 कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं पूरे दिन में, अर्ली सुबह तड़के से ही उनका कैंपेनिंग का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है और अभी नाश्ता करके निकलेंगे, फिर पूरा दिन लंच का टाइम मिलेगा वो गाड़ी में या रास्ते में कहीं किसी घर में, किसी कार्यकर्ता के घर में, ब्रेकफास्ट के बाद फिर पूरा दिन और रात को डिनर बहुत लेट हो जाता है।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूपेश बघेल साहब ने बताया पूरा, और परिवार भी जो है पूरी उम्मीद इस बार कर रहा है कि भूपेश बघेल साहब जीत दर्ज करें राजनांदगांव से। अब आज हम पूरा दिन फॉलो करेंगे, राजनांदगांव जाएंगे, वहां पे जनता से भी बात करेंगे और बघेल साहब के साथ देखेंगे भी कि किस तरह से कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दे जनता के। राम भजन गाते हैं भूपेश बघेल भी प्रचार के दौरान मंदिर मंदिर जाते हैं, महिलाओं के साथ सीधा संवाद करते हैं। ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा में भूपेश बघेल अपनी पहली जो जनसभा है उसको एड्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर ज्यादा जो तादाद है वो महिलाओं की है जो उनको सुनने के लिए आई है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो सरकार बनी उसका एक बड़ा कारण महतारी वंदन योजना भी था, जिस बात को शायद कांग्रेस पार्टी ने बाद में जाकर रियलाइज किया, और शायद यही वजह है कि एक बड़ा फोकस हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर भी कांग्रेस पार्टी के 2024 के मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो बड़ा फोकस वहां पर भी कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है, और यही बात भूपेश बघेल भी अपनी तमाम जनसभाओं में भी कहते नजर आ रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सारी रणनीति मोदी की गारंटी के सामने फेल हो गई थी, यही वजह है कि भूपेश बघेल अपनी सभाओं में मोदी का जिक्र करने की जगह अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं, इस बार राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बनाया है। भूपेश कक्का प्यार से लोग यहां पर आपको बुलाते हैं, क्या लग रहा है इस बार जनता भूपेश कक्का में भरोसा जताएगी, राजनांदगांव से लोकसभा भेजेगी? जबरदस्त उत्साह है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, मैं सभी जगह अधिकांश जगहों में जा चुका हूँ, सभी ब्लॉकों में और नगर पंचायत नगर पालिकाओं में सब जगह गया हूँ, और खासकर जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं और नौजवान, ये सभी लोग उत्साहित हैं और ये लड़ाई अपने हाथों में उन्होंने ले लिया है। मैं देख रही थी कि आपका जो स्पीच था वो लोकल इश्यूज पर ज्यादा फोकस था, अपनी सरकार की आपने जो है वो पूरे अचीवमेंट्स गिनाए, उपलब्धियां बताई, लेकिन केंद्र में चुनाव जो है वो मोदी की गारंटीड वर्सेज कांग्रेस की न्याय और या कांग्रेस की गारंटीज पर चल रहा है, थोड़ा अलग यहाँ लग रहा है। नहीं, तीन बातें मैंने कही, एक तो ये है कि 5 साल जो हमने लोगों की सेवाएं की, जिसमें किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया, मजदूरों के जीवन स्तर में बदलाव आया, महिलाओं के गौपालकों के जीवन स्तर में, लघु वन पर संग्रहण करने वाले उसके जीवन में परिवर्तन आया, इसके बारे में मैंने फोकस किया, उसके एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। दूसरी बात जो है, अभी जो 4 महीने की सरकार है वो सारे हमारे स्कीम जो थे वो सबको बंद कर दिया, जिसका नुकसान हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो न्याय हमारी योजना है केंद्र की कांग्रेस की, उस सबको मैंने बताया कि किस प्रकार से गृहलक्ष्मी योजना है और मनरेगा मजदूरों के रोजी में वृद्धि है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, ये सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो ये 3-4 इशू पे ही फोकस रहता है। और संविधान, आज लोग भाजपा वाले कहते संविधान बदलेंगे, तो आखिर संविधान है हम सबको सुरक्षा देती है, हम सबको अधिकार प्रदान करती है, उसको बदलने की बात हो रही है। राजनांदगांव के प्रचार के दौरान भूपेश बघेल और संतोष पांडे आमने सामने आ गए, सामने तो शिष्टाचार दिखा लेकिन ट्विटर पर सियासी वार छिड़ गया। इस हाई प्रोफाइल सीट पर भूपेश बघेल के समर्थकों का जोश हाई है, उन्हें उम्मीद है कि उनके काका राजनांदगांव से दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। राधेलाल पीडब्ल्यूडी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या? अरे खैरागढ़, अपन अपन कांग्रेस है, नाम सदा कांग्रेस, क्यों आएगी कांग्रेस? हमारे काका जहाँ से मिल रहा है, गाँव में कांग्रेस अच्छा किया, हमारे गाँव में कांग्रेस ही सही है, भाजपा का कोई वैल्यू नहीं है, आधा से ज्यादा तो अगले साल हम लोग पंजे में ही दिए थे, पंजे ही आएगा, और काका को मानते हैं, काका को ही समझते हैं। काका ने क्या खास किया? हमारे लिए किया है, जिसके लिए किया नहीं किया, लेकिन हमारे लिए काका ने किया है। काका को भूपेश काका, हाँ भूपेश काका को देंगे। मोदी जी की गारंटी की बात बीजेपी, हम मोदी जी समझे उसका गारंटी क्या है क्या नहीं, लेकिन हम लोग काका का समझते हैं। 5 साल पर कोई राज दे थे, कोई मतलब होते का?
हमारा जीवन भर बनना है, जीवन भर चलना है। हम कांग्रेस के सदर है, कांग्रेस के सदर है। अब बघेल हमारे जिंदाबाद है। हमारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी अगर दिल्ली चले गए तो हमारे छत्तीसगढ़ उजागर हो जाएगी। और जो किस भूपेश बाबा है ना, वो करीस, मैं 2019 में भी कह रहे हूँ मंत्रालय, जो भूपेश बाबा बघेल ने किया वो करा वो कहा किया, वो जबान का पक्का है। अब मोदी है खाली है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? आप तो संगीत विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में बैठे हैं, तो किसकी ताल ठीक बैठने वाली है, किसके सुर सही लगने वाले हैं? इस बार भूपेश बघेल जी बनने वाले हैं जी। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? हमने बहुत काम की छत्तीसगढ़ में, जैसे किसानों के लिए तो बहुत कुछ किए और सबके लिए काम किए। मोहम्मद रजा, ये बताइए किसकी हवा चल रही है? हवा तो कक्का की चल रही है। हाँ, भूपेश कक्का। क्या किया कक्का ने ऐसा कि हवा चला दी? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया? जैसे कि बतारी योजना और किसानों का ऋण माफ किया है, और बहुत सा है। बतारी योजना है, किसानों का ऋण माफ किया, 3100 धान कर दिया था, उसी की वजह से बीजेपी ने 3100 किया, कांग्रेस 3000 की थी। मोदी जी भी तो गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी गारंटी चाइना की गारंटी है, विश्वास तो कर नहीं सकते। चाइना की गारंटी जानते हो आप, वही है मोदी की गारंटी। कक्का जीतेंगे राजनांदगांव से? कक्का जीतेंगे। महादेव वैभ और शराब घोटाले की वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। 2024 में भी बीजेपी नेता इसी मुद्दे पर भूपेश बघेल को घेर रहे हैं। आज मैं भूपेश जी के बारे में भी बात करने आया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। ये भूपेश कक्का ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा, 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप का घोटाला किया। दो तीन आरोप लगाते हैं कि शराब घोटाला हुआ, तो फैक्ट्री वाले वही हैं, होलोग्राम वाले जो सप्लायर हैं वही हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी वही हैं, दुकानें वही है। 5 महीने हो गए सरकार, यदि गड़बड़ था ये सब बदल देना था। नकली होलोग्राम, तो होलोग्राम तो सप्लाई वही कर रहा है, तो आपके हाथ आरोप राजनीतिक है या फिर आप उसमें कमाई कर रहे हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप कहते महादेव सट्टा ऐप के बारे में, महादेव को भी नहीं छोड़ा। अब डबल इंजन की सरकार है, महादेव ऐप हमारे शासन काल में तो उनके जितने भी उनके कर्मचारी जो सट्टा खिलाते थे, 450 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और करीब 70-72 FIR दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई, देश में कहीं नहीं हुआ। अब मुझ पर FIR हो गया और वो महादेव सट्टा जो है वो अभी भी चल रहा है। इस महादेव सट्टा का नाम क्या रखें? प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये महादेव के नाम से कर रहे हैं, लेकिन महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है, तो अब किसके नाम से रखें? विष्णु जी के नाम से रखें कि मोदी जी के नाम से रखें सट्टा? राजनांदगांव लोकसभा सीट पर इस बार फर्स्ट टाइम वोटर गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 3 लाख मतदाता नए जुड़े हैं। नए वोटर्स में महिला और युवा मतदाताओं की संख्या अधिक है। 2019 के चुनाव में हार जीत का अंतर 1,11,000 था, ऐसे में इस बार महिला और युवा मतदाता नए सांसद का फैसला करने में पांडे लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में है। उनके प्रचार के सेंटर में राम का नाम है और मोदी का काम। मेरे को तो रामायण काल की वो कथा याद आती है, जिसमें सारे राजा ऐसे राजसी लोग जिन्होंने सीता स्वयंवर के लिए, सीता जी को अपनाने के लिए बोले कि स्वयंवर में माला मेरे गले में ना डले तो किसी के गले में भी ना डले, चलो सब के सब मिलकर के धनुष को तोड़ते हैं। फिर भी नहीं तोड़ पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 लोग भी मिलकर के उठाए, सनातन को नहीं हरा सकते भूपेश बघेल,
जीत तो राम की ही होगी, जीत तो सत्य में चलने वालों की ही होगी। जिस प्रकार से तुमने करनी, आपने करनी किया है, वो करनी को भरना पड़ेगा। संतोष पांडे को कांग्रेस लापता सांसद कहती है। कई जगहों पर जनता भी नाराज है, लेकिन मोदी का नाम छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारी पड़ता दिख रहा है। देखिए, जनता ने पिछले समय मोदी जी की लहर बोले जो भी बोले, 2019 में संतोष पांडे जी को मौका दिया था, लेकिन वो एक निष्क्रिय सांसद रहे हैं। आप आसपास, शहर के आसपास से गांव में चले जाइए, शहर के वार्ड में चले जाइए, उनके दर्शन 5 साल में नहीं हुए हैं। इसका न्याय कि जनता लोग लापता सांसद की उपाधि दे रहे हैं उनको। राजनांदगांव की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का संगीत विश्वविद्यालय है, जो एशिया की पहली और सबसे बड़ी आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी में शुमार है। भूपेश बघेल वर्सेज संतोष पांडे के बीच जारी सियासी टक्कर में इस विश्वविद्यालय की भी खूब चर्चा हो रही है। राजनांदगांव की जनता को याद है, एडीबी कार्यालय ले गए, सेतु निगम कार्यालय ले गए, महुआ प्रसंस्करण का इकाई ले जाने वाले थे, हॉकी को आपने बिल्कुल खत्म करने की कोशिश किया, इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी के लिए लोगों को सड़क में आना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा, खैरागढ़ बंद करना पड़ा। नहीं तो आपको इंदिरा कला, जो हमारी धरोहर है संगीत विश्वविद्यालय, आप उसको रायपुर ले जाने वाले थे। जनता तो आपको सबक सिखाएगी। आ जाइए मैदान में, इंतजार है 26 तारीख को कैसे वोटिंग होती है देखना। संतोष पांडे को 2019 में आसान जीत मिली थी, हालांकि इस बार भूपेश बघेल के आने से मुकाबला कांटे का हो गया है, लेकिन राजनांदगांव की जनता का कांटा किधर जा रहा है ये भी सुनते हैं। किसकी हवा चल रही है लोकसभा चुनाव? मोदी के। क्यों? मोदी है, पूरा मोदी छे। हाँ, क्यों है मोदी जी का हवा? अरे वो कर गारंटी ना भाई, गारंटी परेड में चला थे वो, कोई भी कुछ भी वोट क्या है, मोदी है अभी तो। गारंटी तो कांग्रेस भी दे रही है। ना, कांग्रेस के हमला कोई यहाँ नहीं है, हमारे मोदी से यहाँ है भाई। जब उतना दिन के 500 साल के जब यहाँ वो लगा दी अपन राम भगवान के, तो कर यहाँ में तो वाला कहा करने हमला कहा। आप बताइए की हवा? हाँ, मोदी जी की हवा है, मोदी की गारंटी चला थे। गारंटी तो कांग्रेस पार्टी भी दे रही है। कांग्रेस पार्टी के गारंटी में पूरा लुभावना गारंटी है, देश को खोखला करने का गारंटी है, और मोदी में विकसित करने का गारंटी है, दोनों का गारंटी फर्क है। राजनांदगांव में क्या होने जा रहा है? राजनांदगांव में संतोष पांडे, मोदी जी हैं इसलिए या संतोष पांडे? मोदी जी है इसलिए, मोदी जी ही देश का विकसित है। राजनांदगांव में क्या होने जा रहा है इस बार, जनता किसके साथ? ये मोदी जी के साथ है जनता अभी। जी जी, जो देश के प्रति सोचते हैं उन्हीं को तो वोट करेंगे, ऐसा है। और अभी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद हम तो कुछ कहेंगे भी नहीं, ऐसा है। क्यों कांग्रेस की जरूरत नहीं है? अभी देश हित में जो काम करेगा मैडम, उनको तो वोट करना ही पड़ेगा अपने को। देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं? जी, काम कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? अरे सब पांडे जीतेगा ना। सुरेश पांडे जीतेंगे, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा करते हैं, गरीब का ही सेवा करते हैं वो। हाँ, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। नहीं 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 बढ़ रही है, भूपेश के जमाने में तो हमको कुछ लाभ नहीं मिला। हाँ। और यदि भारतीय जनता पार्टी आए तो कुछ तो लाभ मिला। हाँ। क्या लाभ मिला? बहुत सारे लाभ मिला, महातारी योजना मिला, बच्चे का छात्रवृत्ति मिला, और ये मिल रहा है, ये आवास देंगे, बहुत कुछ देंगे। राजनांदगांव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। 26 अप्रैल को राजनांदगांव की जनता अपने नए सांसद के नाम पर अपनी मुहर लगा देगी, और परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने रिवायत बदली या भगवा गढ़ की सियासत।